It is a rate of change of, it is a rate of change of position or displacement with respect to time. तो देखो इसको कैसे समझना है, इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कोई पार्टिकल है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया है, ए से बी तक जा रहा है. ये डिस्टेंस है कितनी, 20 किलोमीटर, ठीक है. और यहां से यहां तक जाने में टोटल टाइम लगा है 2 आवर्स. कितना, 2 आवर्स, ठीक है. अब हमसे पूछा जाए कि ए से बी तक जाने में जो एवरेज वेलोसिटी है वो बताओ, तो हम एवरेज वेलोसिटी कैसे बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 किलोमीटर डिवाइड बाय टाइम टेकन, जो उसने टाइम लिया, टाइम कितना लिया, 2 घंटे, ठीक है. तो ये तो बात होगी एवरेज वेलोसिटी की. लेकिन बात होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब हो गया कि किसी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी हम देखेंगे उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. जैसे सपोज बाइक चलाते वक्त जब हम स्पीडोमीटर को देखते हैं, जब बाइक चलाते वक्त हम स्पीडोमीटर को देखते हैं तो उस टाइम पर जो स्पीड हमको नजर आती है वो स्पीड होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. क्योंकि सपोज जब हमने देखा स्पीडोमीटर की जो एरो है वो 50 पर था, दैट मींस हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई, 50. लेकिन नेक्स्ट पॉइंट पर, अगले पॉइंट पर वो 60 भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, तो 40 भी हो सकती है और 60 भी हो सकती है. तो जिस इंस्टेंट पर हमने देखा उस इंस्टेंट पर कितनी थी, 50, तो वो हो जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. जैसे यहां से ए से बी तक जाने में एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी कितनी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. लेकिन मैंने पूछ लिया कि भाई इस पॉइंट पर बताओ, ये सी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो सी पॉइंट पर जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है. तो ऐसे मान लो कि सपोज ये मान लो कि ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा इस टाइम पे, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स, क्योंकि बहुत छोटा है, छोटा है इसलिए मैंने इसको लिख लिया क्या, डेल्टा एक्स. आगे देखो तो इसको क्या मैं डेल्टा टी लिख दूं फिर, क्योंकि डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल भी वो छोटा सा हो गया, क्षण हो गया मतलब, है ना. तो डेल्टा एक्स और डेल्टा टी, इस छोटे से की बात कर रहा हूं मैं, छोटे से इंस्टेंट में इतना सा चला होगा जिस टाइम पर हमने देखा, मान लिया जरा सा चला है वो, बस थोड़ा सा, है ना. ये हो जाएगा कितना, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. आगे देखो, अगर मैं लिमिट पुट करूं, लिमिट टी टेंस टू जीरो, इसका मतलब होता है कि टी की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट जीरो है लेकिन जीरो नहीं है. ऑलमोस्ट जीरो मतलब सेकंड का कोई हजारवा हिस्सा मान लो, थाउजेंडवा पॉइंट मान लो, या कोई भी मान लो तुम, है ना. तो उसको हम बोलेंगे टी टाइम, सॉरी उसको हम बोलेंगे लिमिट टी टेंस टू जीरो, मतलब वो जीरो तो नहीं है पर एकदम जीरो के बिल्कुल करीब है. तो ऐसी सिचुएशन में ये जो डेल्टा एक्स है ये चेंज हो जाएगा डीएक्स में, और ये चेंज हो जाएगा किसमें, डीटी में. डेल्टा एक्स किसमें चेंज हो जाएगा, डीएक्स में. एक छोटी सी टर्म आ गई डीएक्स और एक छोटा सा टाइम आ गया डीटी. तो इंस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं वी इंस्टेंट, इंस्टेंट लिख लेना इसको, और उसका फॉर्मूला क्या मिल जाएगा हमारे पास, डीएक्स बाय डीटी. ये बहुत काम आता है, इसको याद रखना. वी इंस्टेंट का मतलब हो गया डीएक्स बाय डीटी, यानी डिस्प्लेसमेंट का अगर तुमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, डीएक्स बाई डीटी का मतलब क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी एक्स का टी के रेस्पेक्ट में अगर अपन ने हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो हमको क्या मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. लिख लो इसको, दूसरा पॉइंट लिख लेना, सॉरी ये लिख लो फॉर्मूला पहले, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टीज में लिखना, जो पॉइंट उसके लिखे थे वो पॉइंट लिख लो इसके सीधे सीधे. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है. दूसरा पॉइंट शायद मैंने डायरेक्शन का लिखा था, वो छोड़ देना. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायमेंशन और यूनिट दोनों सेम होती है इसकी, जो एवरेज वेलोसिटी की होती है इसकी होती है. तो ये तो दोनों का सेम लिख लो, और फोर्थ पॉइंट डालना, फिर मैं लिखाता हूं डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन कैसे होगी इसकी. ये 3 पॉइंट नोट करो जल्दी से. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट इसकी यही होगी, डायमेंशन इसका यही होगा.
सपोज मान लिया पार्टिकल इस तरह से मोशन कर रहा है, ऐसे यहां से ऑब्जेक्ट इस तरफ से गया, ऐसे गया और ऐसे गया. हमसे पूछा जाए कि इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, इस इंस्टेंट पर इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन हम बताते हैं टेंजेंशियल. कैसे? इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट बनाएंगे. टेंजेंट मतलब क्या हो गया, एक ऐसे, ये एक टेंजेंट हो गई. तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाया हमने और वही टेंजेंट क्या हो जाएगी, किसकी डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की. अब जिस भी पॉइंट पे पूछा जाए, इस पॉइंट पर पूछा जाएगा तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बना देंगे हम, ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन. इस पॉइंट पर पूछा जाए सपोज इस पॉइंट पर, तो ये टेंजेंट बना दिया हमने ऐसे, है ना, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी. चाहो तो बना लो इसको और पॉइंट लिख लो इसमें पहले, उसके बाद इसको बना लेना. लिखो, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू पाथ.